चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसके प्रभाव क्या होते हैं, करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग लिस्ट में किसी भी देश को कैसे डाला जाता है, इसमें शामिल देश कौन से हैं और इस लिस्ट से कोई देश बाहर कैसे आता है, यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिका ने भारत, ताइवान और थाईलैंड को करेंसी मैनिपुलेशन देशों की मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट में चीन, जर्मनी, इटली समेत 6 और देश शामिल हैं। भारत को 1.5 साल बाद एक बार फिर से इस लिस्ट में डाला गया है। करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है? यह अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाने वाला एक लेबल है। जब अमेरिका को ऐसा लगता है कि कोई देश अनुचित करेंसी प्रैक्टिस में शामिल है और इससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम होती है, तो उस देश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू किसी न किसी तरीके से कम करता है, तो उससे दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले उसे फायदा होता है। विदेशी करेंसी को डीवैल्यू करने से उस देश की एक्सपोर्ट कॉस्ट घट जाती है। इसके लिए अमेरिका ने 3 पैरामीटर तय किए हैं। इन 3 में से जिन देशों पर 2 पैरामीटर लागू होते हैं, उसे अमेरिका अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देता है और जिन देशों पर 3 पैरामीटर लागू होते हैं, उसे करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर देता है। इस बार अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में 8 देश शामिल हैं, जबकि 2 देशों को अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है। करेंसी मैनिपुलेटर पैरामीटर एवं उसके प्रभाव क्या है? अमेरिका से उस देश के बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 12 महीने के दौरान 20 अरब डॉलर से ज्यादा होना, 12 महीने में कम से कम 6 बार फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज का जीडीपी का 2% होना, करंट अकाउंट सरप्लस का 1 साल के भीतर देश के जीडीपी का कम से कम 2% होना, ये कुछ पैरामीटर्स हैं करेंसी मैनिपुलेटर्स के। जो देश इस लिस्ट में डाला जाता है उस समय उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उस देश को लेकर सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। भारत को इस लिस्ट में दोबारा क्यों डाला गया है? अमेरिका ने मई 2019 में भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। उस वक्त अमेरिका की ओर से तय 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर भारत पर लागू नहीं होते थे। उस वक्त भारत का सिर्फ बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 20 अरब डॉलर से अधिक था। अमेरिकी ट्रेड डिपार्टमेंट के रिव्यू में इस बार भी भारत का बायलैटरल ट्रेड 20 अरब डॉलर से ज्यादा है। जून 2020 तक के पहले 4 क्वार्टर्स में 22 अरब डॉलर रहा है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज का नेट परचेज 64 अरब डॉलर का रहा, जो जीडीपी का 2.4% है। पिछले 12 में से 10 महीने ऐसे रहे जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज जीडीपी का 2% से ज्यादा रहा। इन 2 पैरामीटर्स के कारण एक बार फिर भारत अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में आ गया है। इस लिस्ट में शामिल देश कौन कौन से हैं? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट में भारत के साथ ताइवान और थाईलैंड को भी इस लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया भी इस लिस्ट में हैं। ये देश पहले से ही इस लिस्ट में हैं। वियतनाम और स्विट्जरलैंड को अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया है। इन दोनों देशों पर अमेरिका द्वारा तय 3 पैरामीटर लागू होते हैं। कोई देश इस लिस्ट से कैसे बाहर आएगा? जो देश एक बार मॉनिटरिंग लिस्ट में आ जाता है, उसे कम से कम 2 बार लगातार इससे बाहर रहना होता है, तभी अमेरिका उसे इस लिस्ट से बाहर करता है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे यह तय हो सके कि उनकी इकोनॉमी में जो सुधार हो रहे हैं वे टेम्परेरी नहीं है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.